बुट्स रिएक्शन और बुट्स फिटिंग रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, बुट्स फिटिंग रिएक्शन द्वारा कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, बुट्स फिटिंग रिएक्शन में ड्राई ईथर की क्या इंपॉर्टेंस है, बुट्स फिटिंग रिएक्शन की क्या रिएक्शन मैकेनिज्म है, आज के इस वीडियो में इन सब का अध्ययन करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट बुट्स फिटिंग रिएक्शन। नेम रिएक्शन की सीरीज में ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने बुट्स रिएक्शन और उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी की थी। इस वीडियो में हम बुट्स फिटिंग रिएक्शन और उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे और जानेंगे बुट्स रिएक्शन और बुट्स फिटिंग रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, बुट्स फिटिंग रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, जब एराइल हैलाइड तथा एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम मेटल से कराते हैं तो एल्काइल एरीन बनते हैं। एराइल हैलाइड क्या होते हैं आप इसको भली भांति जानते हैं, एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं ये भी आप जानते हैं, सामने आप एक रिएक्शन के द्वारा इसको स्पष्ट कर सकते हैं। ARX plus 2Na plus XR is equal to dry ether की प्रेजेंस में AR plus 2NaX। इन दिस रिएक्शन AR एनी एराइल जिसको हमने C6H5 फिनाइल के रूप में लिखा है, X एनी हेलोजन, हेलोजन के रूप में हम CLBR ले सकते हैं, R एनी एल्काइल जिसको हम CH3 या C2H5 के रूप में लिख सकते हैं। सामने इस रिएक्शन को सिंप्लीफाई करके इस प्रकार से लिखा जा सकता है, C6H5Br plus 2Na plus BrCH3 in presence of dry ether C6H5CH3 plus 2NaBr। C6H5Br plus 2Na plus BrC2H5 is equal to in presence of dry ether C6H5C2H5 plus 2NaBr। इस रिएक्शन को आप इस प्रकार से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको इंडिकेट कर लीजिएगा, Na और Br ये दोनों आपस में रिएक्शन करके NaBr के रूप में निकल जाएंगे, ऐसे ही हम यहाँ पर भी कह सकते हैं। जिस प्रकार हमने बुट्स रिएक्शन में जाना था कि हम ड्राई ईथर का यूज़ क्यों करते हैं, ड्राई ईथर यहाँ पर एक सॉल्वेंट है, आप सामने रिएक्शन में देख रहे होंगे बुट्स रिएक्शन की भांति यहाँ पर भी हमने सोडियम मेटल का यूज़ किया है। सोडियम मेटल मॉइस्चर के प्रति और वाटर के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है और बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है, मॉइस्चर और वाटर से बचाने के लिए यहाँ पर हम ड्राई ईथर का यूज़ करते हैं। बुट्स रिएक्शन और बुट्स फिटिंग रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, आइए इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर लिखा देख रहे होंगे, 6H5Br plus 2Na plus BrCH3 is equal to in presence of dry ether C6H5Br3 plus 2NaBr। ये बुट्स फिटिंग रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर हमने एराइल हैलाइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराई है। जब एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड आपस में रिएक्शन करके एल्काइल एरीन देते हैं उसको हम बुट्स फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। जबकि बुट्स रिएक्शन में आप देख सकते हैं CH3Br plus 2Na plus BrCH3 in presence of dry ether CH3CH3 plus 2NaBr। पर ये जो बुट्स रिएक्शन है इसमें हमने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराई है, तो आप समझ गए होंगे कि जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराते हैं तो बुट्स रिएक्शन कहलाती है, और जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एराइल हैलाइड से की जाती है या एराइल हैलाइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से की जाती है तो उसको हम बुट्स फिटिंग रिएक्शन। बुट्स रिएक्शन और बुट्स फिटिंग रिएक्शन दोनों को ही हम फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं, और दोनों की फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत ही सिमिलरिटी है। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, बुट्स फिटिंग रिएक्शन में यूज़ होने वाला सोडियम पहले आयनाइज होकर के सोडियम कैटायन में और एक इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है, तथा एराइल हैलाइड के बीच जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से एराइल पर पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज एराइल हैलाइड इस इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करके फ्री रेडिकल बनाता है। इसी प्रकार एल्काइल हैलाइड का शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन की ओर शिफ्ट हो जाता है और एल्काइल कैटायन बनता है, जबकि हैलोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एल्काइल कैटायन
सोडियम से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करके फ्री रेडिकल में चेंज हो जाता है। इस प्रकार एराइल फ्री रेडिकल और एल्काइल फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करके एल्काइल एरीन देते हैं। आप इस रिएक्शन मैकेनिज्म को अपनी कॉपी में इस प्रकार से लिख लेंगे और इसकी स्टडी करेंगे। अब जब हम अपने तीसरे नेम रिएक्शन के वीडियो में मिलेंगे तो फिटिंग रिएक्शन के बारे में जानेंगे और ये समझेंगे कि फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन में क्या डिफरेंस है।